प्रदीप चौधरी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। आज हम अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय के प्रथम चैप्टर मात्रक एवं विमाओं की बात करेंगे। जो टॉपिक आज का हमारा रहेगा वह होगा भौतिक राशियां, मूल राशियां एवं मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां एवं मात्रक तथा संपूरक राशियां और उनके मात्रक। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी जो है वह ऐसी राशि होगी जिसका मापन किया जा सके। जिन राशियों का मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जिन राशियों का मापन किया जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब हम बात करेंगे मात्रक की। मात्रक यूनिट भौतिक राशि के मापन के लिए जो नियत मान निर्धारित किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। हम अलग अलग मात्रक पद्धतियों से परिचित हैं। पहले एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति काम में ली जाती थी। उससे भी पहले एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम जो है वो काम में लिया जाता था। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम और फुट पाउंड सेकंड सिस्टम पहले काम में लिया जाते थे। आजकल वर्तमान में ऐसा ही पद्धति काम में ली जाती है जो सिस्टम इंटरनेशनल कहलाती है। यह एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब हम बात करेंगे मूल राशि एवं मूल मात्रक। मूल राशियां वे राशियां हैं जिनको और आगे सरल रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात ये वे राशियां होंगी जिनको हम आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मैं उदाहरण दूं आपको लंबाई, क्या लंबाई को, लेंथ को और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? नहीं। अतः यह राशि मूल राशि के समूह में होगी। इसी प्रकार से द्रव्यमान की बात करें, क्या द्रव्यमान को और आगे सरल रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मास को हम और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अतः यह मूल राशियों के समूह में आएंगी। मैं बात करूं वेग की, वेग वेलोसिटी। वेग को और आगे सरल रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं वेग बराबर तय की गई दूरी अपन लिया गया समय, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। तो इस प्रकार से वेग को और आगे हम सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए वेग मूल राशियों के समूह में नहीं होगा। अब हम बात करें मूल मात्रक की। मूल मात्रक, मूल राशियों के जो मात्रक होंगे वह मूल मात्रक कहलाएंगे। फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियों की बात कर रहे हैं। मूल राशियां वे राशियां होंगी जिनको और आगे सरल रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस मूल राशियों के समूह में प्रारंभ में तीन राशियां रखी गई थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास और टाइम। हम इस समूह को एक टेबल की फॉर्म में अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यह टेबल मूल राशियों की टेबल रहेगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टेबल रहेगी। क्रम संख्या, मूल राशि का नाम, नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और संकेत, जो मूल मात्रक है उसका संकेत क्या रहेगा, सिंबल क्या होगा।
वो यहां पर हम स्पष्ट करेंगे। मूल राशियों के समूह में सात राशियां हैं। पहले तीन राशियां ही थी, द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ, समय, टाइम। ये तीनों राशियां पहले मूल राशियों के समूह में रखी गई थी। इनके मात्रक, जिसे हम मूल मात्रक कह रहे हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी। लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत स्मॉल एन। समय का मात्रक सेकेंड, संकेत स्मॉल एस। इसी प्रकार से इसी समूह में चार अन्य राशियां भी बाद में शामिल की गई। जो चार राशियां शामिल की गई थी वह भौतिक विज्ञान के अलग अलग ब्रांचेस से हैं। सबसे पहले हम बात करें परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम ताप भौतिक विज्ञान की ऊष्मागतिकी और ऊष्मा से संबंधित शाखा से ली गई है। इसका मात्रक केल्विन, संकेत कैपिटल के। यहां यह ध्यान रखेंगे कि जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है उनके संकेत को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। इसके बाद हम बात कर सकते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भौतिक विज्ञान की इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबकत्व शाखा से ली गई है। इसका मात्रक जो है वो होगा एम्पीयर। और संकेत कैपिटल ए। इसी प्रकार से प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और यह भौतिक विज्ञान की प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स बात से ली गई है। मात्रक कैंडेला, कैंडल से आप लोग परिचित हैं, उसी के अनुरूप यहां पर इसका मूल मात्रक कैंडेला रखा गया, संकेत स्मॉल सी डी। इसी प्रकार से अंतिम जो हम लेंगे वह होगी पदार्थ की मात्रा। यह एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स से ली गई है पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक मोल, MOL। तो इस प्रकार से यह एक समूह होगा जिस समूह में ये मूल राशियों का समूह है, जिसमें सात राशियां रखी गई है। सभी राशियों के नाम, उनके मात्रक और उनके संकेत यहां पर बताए गए हैं। तो यह ग्रुप जो है वो मूल राशियों का समूह होगा। इसके बाद अन्य जो समूह होगा वह कहलाएगा संपूरक राशियां। संपूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इस समूह में जो राशियां रखी गई हैं वह कोण से संबंधित है, एंगल से संबंधित है। दो राशियां यहां पर रहेंगी संपूर्ण राशियों के समूह में। उन दो राशियों के नाम क्रमशः तल कोण, प्लेन एंगल, व ठोस कोण, सॉलिड एंगल होगा। संपूर्ण राशियों का समूह यहां पर हम देख सकते हैं, दो राशियां हैं, संपूर्ण राशि का नाम, नेम ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसका मात्रक और उसके संकेत। सबसे पहले तल कोण, प्लेन एंगल, यह वही कोण है जो हम लोग सामान्यतया छोटी कक्षाओं में कोण के नाम से पढ़ते आए हैं। इसका मात्रक रेडियन, संकेत RAD। इसी प्रकार से एक अन्य कोण, ठोस कोण, सॉलिड एंगल, जिसका मात्रक होगा T-रेडियन, संकेत SR। इस प्रकार से संपूर्ण राशियों का यह समूह होगा जिसमें दोनों राशियां कोण से संबंधित है। भौतिक विज्ञान में कोण जो है वह एक महत्वपूर्ण
राशि का काम करता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के कोण अपन ने बात किए, प्लेन एंगल जो कि टू डायमेंशन में काम आते हैं, और ठोस कोण सॉलिड एंगल जो कि थ्री डायमेंशन थ्री विमीय आकृतियों में काम आते हैं। अब सात और दो ये नौ राशियों को छोड़ने के बाद जो राशियां रहती है वह व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, डिराइव क्वांटिटीज कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां या डिराइव क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिनको मूल राशियों के संबंध के रूप में दर्शाया जा सकता है, मूल राशियों के संबंध के रूप में जिनको दर्शाया जा सके वह राशियां मूल राशियां कह रहे हैं, सॉरी व्युत्पन्न राशियां कह रहे हैं। दर्शाया जा सके मूल राशियां जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले, अब हम बात कर रहे हैं व्युत्पन्न राशियों की। व्युत्पन्न राशियों में हम उदाहरण दें क्षेत्रफल एरिया, क्योंकि क्षेत्रफल को और आगे सरल रूप में व्यक्त किया जा सकता है लंबाई और चौड़ाई के रूप में, आयत के क्षेत्रफल को लंबाई और चौड़ाई के रूप में, लेकिन चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, अतः इसे क्षेत्रफल को जो कि व्युत्पन्न राशि है मूल राशि लंबाई के संबंध के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार से वेग या चाल की बात करें, वेग या चाल मतलब वेलोसिटी या स्पीड जो है वह दूरी और समय के अनुपात के तुल्य है, दूरी एक प्रकार की लंबाई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने वेग को दो राशियां लंबाई और समय जो कि दोनों मूल राशियां हैं उनके संबंध के रूप में व्यक्त किया है, तथा वेग या चाल जो है वह व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। यहां पर अपन देखें क्षेत्रफल को हमने लंबाई के रूप में व्यक्त किया है, लंबाई के लिए L1 ये हमने लिखा, इस प्रकार की जगह L2, क्योंकि द्रव्यमान और समय नहीं है इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा जाए, ये इसका विमीय सूत्र भी कहलाएगा। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र एम जीरो एल टू टी जीरो। इसी प्रकार से वेग या चाल का विमीय सूत्र हम निकाल सकते हैं, लंबाई L1, समय T1, L1 T माइनस वन, आगे हम इसको लिख सकते हैं M0 L1 T माइनस वन। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और साथ में उनकी विमीय सूत्र भी हम आगे देख रहे हैं। यहां पर व्युत्पन्न मात्रक की भी बात कर रहे हैं, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर टू बी टर्म एज डिराइव्ड यूनिट्स। अब यहां पर हम जो महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियां हैं उनके और नाम, उनकी मात्रा और उनके विमीय सूत्र यहां पर लिख रहे हैं, क्रम संख्या, व्युत्पन्न राशि का नाम, एस आई मात्रक और विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला। दो राशियों की यहां बात कर चुके हैं पहले, क्षेत्रफल एरिया एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। एसआई मात्रक से पहले विमीय सूत्र देखें जो हम पहले लिख चुके हैं एम जीरो एल टू टी जीरो। क्षेत्रफल का कोई भी उदाहरण ले, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इनटू चौड़ाई, लंबाई मीटर में नापी जाएगी ऐसे पद्धति में, इसी प्रकार चौड़ाई भी मीटर में नापी जाएगी, अतः इसका मात्रक हुआ मीटर इंटू मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर। दूसरा वेग या चाल वेलोसिटी या स्पीड,
इसका भी सूत्र जैसा भी हमने लिखा था एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ऐसा ही मात्रक की बात कर सकते हैं। वेग दूरी अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक सेकंड है, लीजिएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। आयतन वॉल्यूम, किसी भी चीज के वॉल्यूम की आप बात कर सकते हैं, क्यूबॉइड के अर्थात घनाभ के आयतन की बात करें, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, अतः इसे इस प्रकार से लिखा जा सकेगा लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, अतः इसका विमी सूत्र रहेगा एम जीरो एल थ्री टी जीरो और ऐसा ही मात्रक रहेगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर अर्थात मीटर की घात तीन। फोर्थ नंबर पर हम ले लें घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी के लिए छोटी कक्षाओं में हमने सूत्र पढ़ा हुआ है कि पदार्थ का घनत्व पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात के तुल्य होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। आप द्रव्यमान के बारे में जानते हैं मूल राशि है m1, आयतन व्युत्पन्न राशि है, इसका विमी सूत्र पर निकाल चुके हैं l3, तो इधर इसका विमी सूत्र आ जाएगा m1 l माइनस थ्री टी नहीं आ रहा है टी जीरो लिखते हैं। मात्रक की बात कर लें, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, रहेगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार से घनत्व का विमी सूत्र और ऐसा ही मात्रक हमने लिखा। इसके पश्चात अब हम बात कर सकते हैं त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण के लिए हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है, अर्थात त्वरण के लिए सूत्र रहेगा वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। वेग में परिवर्तन का विमी सूत्र और ऐसा ही मात्रक वही होगा जो वेग और चाल का होता है। समय मूल राशि है t1, वेग में परिवर्तन वेलोसिटी में चेंज, डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वेग का होगा l1 t माइनस वन, इस प्रकार से इसका विमी सूत्र लिखा जाएगा l1 t माइनस टू। यहां पर हम इसको इस प्रकार देखते हैं एम नहीं आ रहा है एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ऐसा ही मात्रक लिखा जा सकता है। वेग में परिवर्तन का ऐसा ही मात्रक वही होगा जो वेग का होगा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ये हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर माइनस टू। इसके बाद अब हम बात कर सकते हैं संवेग, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम होता है द्रव्यमान इंटू वेग, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग का जो गुणनफल होगा वह रेखीय संवेग कहलाएगा। द्रव्यमान का मात्रक m1, विमी सूत्र वेग l1 t माइनस वन, इस प्रकार से हम रेखीय संवेग का विमी सूत्र ले सकते हैं m1 l1 t माइनस वन। मात्रक की बात कर लें, द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकेंड, तो यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर माइनस वन। अब हम बात करेंगे बल फोर्स, सबसे महत्वपूर्ण राशि है बल या फोर्स। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि बल जो है वस्तु के लिए क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण का गुणनफल। द्रव्यमान मूल राशि m1, त्वरण विमी सूत्र निकाल चुके हैं l1 t माइनस टू, विमी सूत्र यहां पर हो जाएगा m1 l1 t माइनस टू, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे कई राशियों के विमी सूत्र में इस सूत्र को सीधा काम में लेंगे, ऐसा ही मात्रक है। बल फोर्स का ऐसा ही मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है न्यूटन, संकेत के रूप में लिखेंगे कैपिटल एन
और अगर आप यू लिखना चाहें ये नहीं है कार्य या ऊर्जा, वर्क या एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि कार्य जो है वह बल तथा बल की दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के तुल्य होता है। तो यहां पर हम बात करें बल इंटू बल की दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। बल का अग्नि सूत्र है m1 l1 e-2, दूरी लेंथ l1 ये हो जाएगा m1 l2 t-2। ऐसा ही मात्रक अगेन हम बात करें वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है जूल, संकेत कैपिटल जी। ऊर्जा के लिए भी यही रहेगा विमीय सूत्र m1 l2 t-2 और मात्रक भी यही रहेगा जूल। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार जैसे गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है या ऊर्जा का और भी कोई प्रकार हो, सबके विमीय सूत्र एक समान होंगे और सबके ऐसा ही मात्रक भी जूल ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं शक्ति पावर। पावर के लिए आपने कॉमन फॉर्मूला कॉमन सूत्र पढ़ा हुआ है और वो है कि कार्य करने की दर अर्थात कार्य अपॉन समय, वर्क डन ओवर टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क। कार्य के लिए विमीय सूत्र पहले हम निकाल चुके हैं m1 l2 t-2, समय t1 ये हो जाएगा m1 l2 t-3। ऐसा ही मात्रक की बात कर लें वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है वॉट, संकेत कैपिटल W। इसी प्रकार से अंत में एक और महत्वपूर्ण राशि हम ले लें दाब, प्रेशर, दाब के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है बल अपॉन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बल के लिए विमीय सूत्र है m1 l1 t-2, क्षेत्रफल के लिए l2 ये जाएगा विमीय सूत्र m1 l-1 t-2 और ऐसा ही मात्रक होगा दाब के लिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे अब वैज्ञानिक के नाम पर आधारित होने के कारण हो सकते हैं पास्कल। इस प्रकार से यहां हमने ऐसी राशियां देखी जो कि द्रव्यमान, लंबाई और समय पर आधारित थी। अब जो राशियों की बात कर रहे हैं वह मूल राशियां द्रव्यमान, लंबाई, समय के अतिरिक्त अन्य राशियों पर भी निर्भर करती है, जैसे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के लिए हम एक संबंध देख सकते हैं जो कि विद्युत धारा की परिभाषा से संबंधित है। विद्युत धारा आवेश में प्रवाह की दर के तुल्य होती है अर्थात I बराबर होता है Q/T। यहां से हम बात कर सकते हैं Q बराबर होगा I×T। विद्युत धारा मूल राशि है, संकेत इसके लिए A1, समय T1, M और L इसमें नहीं आ रहे हैं, हम लिखेंगे m0 l0 t1 a1। तो ये इसका विमीय सूत्र होगा। ऐसा ही मात्रक की बात कर लें तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है वो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है कूलाम, संकेत कैपिटल C। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मूल परिभाषा पर हम जाए तो किसी बिंदु का विद्युत विभव अनंत से इकाई धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है अर्थात W/Q। यह विद्युत विभव के लिए सूत्र होगा। कार्य विमीय सूत्र निकाल चुके हैं m1 l2 t-2, आवेश अभी अपन ने निकाला विमीय सूत्र P1 A1, ये हो जाएगा m1 l2 t-3 a-1। ऐसा ही मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है बोल्ट,
इसके बाद हम बात कर सकते हैं विद्युत प्रतिरोध। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध के लिए ओम का नियम काम में लिया सकता है और उसके अनुसार R बराबर होता है V अपॉन I। V तार के सिरों पर विभवांतर, I तार में प्रवाहित धारा। विभवांतर का मी सूत्र वही होगा जो कि विभव का होगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। धारा अपने आप में मूल राशि है, A1 विमी सूत्र हो जाएगा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। ऐसा ही मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, ओम और संकेत उसका अलग से है इस प्रकार से। ये हमने बात की विद्युत प्रतिरोध की। एक अन्य राशि हम यहां पर ले रहे हैं वह है प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। विद्युत प्रतिरोधकता या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। विद्युत प्रतिरोधकता के लिए संकेत हमारा रो है और उसके लिए फॉर्मूला एक है हमारे पास, R इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां पर रो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। R विद्युत प्रतिरोध ऐसा ही मात्रक, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और लंबाई मीटर, तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर। इसी प्रकार से विमी सूत्र दे सकते हैं, R का विमी सूत्र हमारे पास है M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। लंबाई के लिए L1 और इधर एरिया के लिए L2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा M1 L2 और 2 4 ये 1 दे रहा है, M1 L3 T माइनस 3 A माइनस। इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण राशियों के विमी सूत्र और ऐसे मात्रक यहां पर देखे। व्युत्पन्न राशियों का समूह बहुत बड़ा है। भौतिक विज्ञान में जैसे जैसे हम आगे राशियां पढ़ते जाएंगे उनके ऐसे मात्रक और विमी सूत्र भी देखेंगे। धन्यवाद।